नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल प्रद्या की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया चाप। सोया चाप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये उबलते हुए पानी में इसको डाल दिया है और ये ठंडा हो रहा है। अब इसे मैं निकाल के काटूंगी, उसके पहले हम देख लेते हैं। ये मैंने 3-4 प्याज ले ली है और 2 टमाटर, ये मिर्ची है 5, थोड़ा सा जीरा है और ये थोड़ा गरम मसाला है। इसका मैं पेस्ट बना लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने उबलते हुए पानी में डाल के इसको निकाल लिया। अब ये ठंडा हो गया है, इसको हम इस तरह से इसका निकाल लेंगे। और ये मैंने 1/2 kg लिया है सोया चाप, इस तरह से पूरा सोया चाप निकाल लेंगे। अगर आप इसको ऐसे बनाना पसंद करते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, काटने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं यहाँ इसे काट के बनाऊँगी। और सोया चाप जो है नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते हैं उनके लिए तो ये नॉनवेज का काम करता है। ये होता है सोयाबीन का, लेकिन ये पूरा नॉनवेज का काम करता है, तो बहुत ही टेस्टी बनता है, नॉनवेज की तरह एकदम होता है। तो इस तरह से इसको मैं पीसेज में कट कर लूँगी। अब हम कढ़ाई में ये तेल डाल देंगे, हम सोया चाप को तलेंगे इसलिए थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में तेल डालेंगे। इसको हम बाद में निकाल के और काम में भी ले सकते हैं। तो हम थोड़ा तेल को गर्म होने देंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम सोया चाप को इस तरह से फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने डाल दिया है और इसको थोड़ा मैं ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई करूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमारा सोया चाप फ्राई हो रहा है। ये देखिए, अभी ये हुआ नहीं है, थोड़ा सा हम इसे और ब्राउन करेंगे और इस तरह से हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो हम फ्राई कर रहे हैं, ये हमारा सोया चाप फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में, देखिए इस तरह से जो है फ्राई होना चाहिए, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से तेल को जो है इसमें, ये देखिए इस तरह से मैंने सोया चाप को फ्राई कर लिया है। इसको फ्राई करने में मुझे 10 मिनट लगे हैं। और अब हम इसी कढ़ाई में ये डाल देंगे तेज़पत्ता और दालचीनी, बड़ी वाली इलायची, और इसमें 2-3 लौंग मैं डाल दूंगी। ये तड़का हमारा हो गया है। अब इसी में मैं ये कढ़ी पत्ते को डाल दूंगी। कढ़ी पत्ते का टेस्ट हर सब्ज़ी में अच्छा लगता है, किसी में भी डाल सकते हैं। इसमें ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया है, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, जीरे का, इसको अब हम तड़का डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, प्याज हमारी भुन चुकी है। अब इसमें मैं ये टमाटर की प्यूरी डाल दूंगी, ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया था इस तरह से, और थोड़ा सा इसको भी हम इसी में फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। अब इसी स्टेज पे हम ये चॉप मसाला लिए हैं 2 चम्मच के करीब है, इसको हम डाल देंगे। और इसी में मैं डालूँगी, आप धनिया अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी 1 चम्मच। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है 1 चम्मच। थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएँ इस तरह से। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी हल्दी, ये देखिए 1/2 teaspoon मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं ढक के पका लूंगी। ये देखिए, हमारा मसाला लगभग भुन चुका है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और फ्राई करूँ, भूनूंगी इसी तरह से। तो फिर मैं अभी भून रही हूँ इसको। ये देखिए, हमारा मसाला एकदम अच्छे से भून गया है। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें, ये मैंने गाढ़ा कर लिया है, 1/2 cup दूध है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसी में मैं पानी ऐड करूँगी। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम पानी को ऐड करेंगे। ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी इस तरह से, और इसको खूब अच्छे से मिला लूँगी।
इसी में मैं ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैं चॉप भी, ये जो मैंने चॉप फ्राई करके रखा है इसको भी इस तरह से इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, और इसको मैं 10 मिनट तक इसी में पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए चॉप हमारा पक रहा है, और ये जो है ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये चॉप हमारा। तो इस तरह से ये बन के एकदम रेडी हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा ये डालूंगी कसूरी मेथी, इससे टेस्ट हमारा और बढ़ जाएगा इस तरह से। और इसको अच्छे से मिला देंगे हम। गैस की फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। ये देखिए कितना सुंदर हमारा बना है सोया चॉप। आप अगर दुकान पे जाएंगे आपको 6 पीस या 4 पीस 200 रुपये में मिलता है, और आप उसी क्वांटिटी में पूरी फैमिली खा सकती है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको मलाई से गार्निश कर दिया है इस तरह से, ये देखिए। और इससे मैं थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता लगा दूंगी। ये देखिए हमारा ये जो है सोया चॉप बनके एकदम रेडी है। ये देखिए सोया चॉप हमारा बनके रेडी है। तो हमारी ये प्रध्या की रसोई का सोया चॉप आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और इसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का लाभ उठा सकें। सोया चॉप बहुत ही पसंद किया जाता है, जो एक बार खा लेता है वह बार बार खाने की इच्छा जाहिर करता है। इसलिए इसको घर पे बनाइए, लाइए घर पे बनाइए और इंजॉय कीजिए। धन्यवाद।